हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 14 अप्रैल 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। सेकिंग बाय सब्टरफ्यूज, बात हो रही है किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर जो था स्टेट का, उसको रिमूव कर दिया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, वो भी एक ऑर्डिनेंस के तहत। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इलेक्शन कमीशन हमारा आर्टिकल 324 में आता है, जिसमें बता रखा है किस तरीके से हमारे इलेक्शन कमीशन होगा। साथ ही साथ हमारा जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है सेपरेट। उनकी रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है वो इस तरीके से होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारा, उसको सुप्रीम कोर्ट के जो मैनर है उसी के तहत ही उन्हीं ग्राउंड्स पे, जैसे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी वाला जो ग्राउंड है ना सुप्रीम कोर्ट का जजेस का, वैसा ग्राउंड्स और वैसे ही प्रोसीजर, जो आपका इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वैसे ही रिमूव किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसके साथ में जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन में ही रिमूव कर दिया जाता है। यही सिस्टम स्टेट में है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हमारा होता है उसको हाई कोर्ट के जज के जैसा आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन जो वो जो रीजनल जो कमिश्नर्स हो गए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन में, उनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रिमूव कर सकता है। तो बात यह है कि जब प्रोसीजर है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हाई कोर्ट के जज के जैसा रिमूव किया जा सकता है, तो वैसा किया क्यों नहीं गया? यहाँ पे एक तो मैं आपको बता दूँ, रिमूव करने की प्रक्रिया बहुत अजीब सी थी। इन्होंने क्या कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गवर्नर के द्वारा। अब आपको पता है कि जब सेशन नहीं होते, जब एक हाउस या दो हाउस, दोनों हाउस सेशन में नहीं होते, तो गवर्नर स्टेट में और प्रेसिडेंट सेंटर में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस जब जारी करेगा, अब ऑर्डिनेंस आपको पता है कि प्रेसिडेंट जारी करता है, और जब लेजिस्लेचर खुलते हैं तो 6 वीक के अंदर अंदर इसको जो है पास होना होता है। गवर्नर ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया जिसमें इन्होंने इलेक्शन जो कमिश्नर है स्टेट का, उसका टेन्योर 5 से 3 साल कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने जो क्राइटेरिया है कि ऑफिस होल्ड कौन करेगा, ये चेंज कर दिया गवर्नर ने। अब गवर्नर कर सकता है, पर चेंज क्या किया कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक वाला ऑफिसर ही होगा, या फिर और वो होगा जो कि हाईकोर्ट जज को जज के तौर पर सर्व किया गया हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाली रैंक और हाईकोर्ट के जज से ऊपर वाली जो रैंक है, ये दोनों कहीं ना कहीं जो कंडीशंस, जो यहाँ पे टेन्योर भी यहाँ पे कट किया गया, कंडीशंस क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कट की गई, ये बिल्कुल एक डिसएडवांटेज के तौर पर जाते हैं किसके खिलाफ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर था वो इन कंडीशंस में फिट नहीं बैठता, ये क्वालिफिकेशन उसकी है नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसको जो है हटना पड़ा। ऐसे डायरेक्ट उसको रिमूव नहीं किया गया, लेकिन हटना पड़ा क्योंकि क्वालिफिकेशन कर दी। आपको बता दूँ कि देखो, ऐसे जो इलेक्शन कमीशन की जो यहाँ पे कंडीशंस हैं सर्विस की, टेन्योर जो होता है, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और स्टेट लेवल पे गवर्नर डिसाइड करता है। तो काम तो सही अथॉरिटी ने किया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, एक केस था, मैं आपको बताऊँ, एक केस था अपरमिता प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आप टेन्योर को कट कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिमूवल हो गया, और सरकार जो थी आंध्र प्रदेश की, वो इसी जजमेंट के भरोसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो टर्म है उसको शॉर्ट करते हुए यहाँ पे खुश हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील गई इस ऑर्डर के अगेंस्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है आगे नहीं आया। जजमेंट जो थी वो काफ़ी इरोनस भी थी, गलत भी थी। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर मिल गई ना कि वो इलेक्शन अथॉरिटी को रिमूव कर सकता है टेन्योर चेंज करके। मान लो कोई अगर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ढंग से काम नहीं कर रहा, सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, उसका मान लो 2 साल का टेन्योर बचा है, मान लो 5 साल का टेन्योर है और 2 साल का टेन्योर जो है वो बचा है, तो हो सकता है वो 3 साल का टेन्योर सरकार कर दे, तो 3 साल तो उसको कंप्लीट हो ही गए, दो साल काट दिए टेन्योर में, समझ रहे हो? तो ये जो जजमेंट हुआ था ना,
अपरमिता प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें तो इस चीज़ को कह दिया था कि ठीक है टेन्योर कट करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि रिमूवल कर दिया, रिमूवल के लिए प्रोसीजर है अलग है, लेकिन टेन्योर कट करने का मतलब ये कि हाँ क्वालिफिकेशन आपने जो है छांट दी। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम ढंग से देखें और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 के में देखें, जिनमें खास करके पंचायत की बात होती है, इसमें कहा गया है कि कंडीशन को इस तरीके से आप चेंज नहीं करोगे जो किसी भी अथॉरिटी को जो है यहाँ पे जो भी पोजीशन में है उसके लिए खिलाफ हो। सरकार कह रही है कि हमने टेन्योरी तो चेंज किया है, कंडीशंस थोड़ी सर्विस हटाई, कंडीशन थोड़ी हटाई है, टेन्योर चेंज किया है हमने तो। और अगर यहाँ पे ऐसा भी हो कि अब स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक जो है बात ला रही है कि चेंज ऑफ टेन्योर का मतलब कंडीशन ऑफ सर्विस में चेंज नहीं होता, तो ये जो नई चीज़ जो बन के आई है अब जो ऑफिस में आएंगे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उनके ऊपर लागू होगी, जो अभी हैं जिनके हटने पे सवाल हो रहा है उन पे लागू नहीं होगी, क्योंकि नया कानून आता है तो फिर उस हिसाब से आने वाले टाइम पे वो लागू होता है। तो कुछ जो कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है कि हमारा आर्टिकल 243 के क्या कहता है, ये ऊपर वाली जजमेंट जो अपरमिता प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्या कह रही है, और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस इनसे कम होती है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है कह सकते हो कि इस तरीके से अगर एलिजिबिलिटी चेंज कर दोगे, टेन्योर चेंज करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मसला नहीं जाएगा क्योंकि रिमूवल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रिमूव हो ही गया ना, तो एक जो इंडिपेंडेंस है उस पर एक कड़ा प्रहार यहाँ पे पड़ता, स्टेइंग एट होम ऑन प्लैनेट अर्थ। अच्छा, एक तो मैं बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा, तो एक तो ये तो इलेक्शन कमीशन वाला जो चैप्टर है वह पढ़ लेना पॉलिटी में, साथ में जो इलेक्शंस वाला जो चैप्टर है ना आपका पॉलिटी में, जो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें आपके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आपका इलेक्ट्रल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, पोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, ये सारी जो हैं आप पढ़ते रहिएगा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बाकी रीजनल कमिश्नर ऑफ इंडिया, रीजनल कमिश्नर्स, ये सारे जो हैं जरूर इलेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेइंग एट होम ऑन प्लैनेट अर्थ, ये बता रहे हैं, ये रहते हैं यूएसए में, ये बता रहे हैं वहाँ इनका जीवन कैसा हो गया अब, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। री इमेजिनिंग आवर चॉइसेस, ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, एक मिनट, ये वाला जो आर्टिकल है हाउ टू कोप विद कन्फाइनमेंट, ये वेंकैया नायडू जी का है, ये कह रहे हैं किस तरीके से हम अंदर रह के घर में इस नई सिचुएशन से एडजस्ट कर सकते हैं, तो बातें तो वही है कि योगा वोगा की जाए और घर पे ही रह के बात की जाए और कम से कम जो है समय व्यर्थ करें। और इन्होंने एक बात जो सबसे अच्छी मुझे लगी कि जब भी आपको समय की शॉर्टेज लगे तो इसका मतलब ज़िंदगी आप सही जी रहे हो, अच्छे कोट है, अच्छा है। अंबेडकर एंड पूना पैक्ट, आज जो है वो अंबेडकर जी की 129th ईयर ऑफ इस बर्थ जो है एनिवर्सरी है, अप्रैल 14 आज इस साल, तो अंबेडकर को हमें याद करना चाहिए इनके पूना पैक्ट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था। पूना पैक्ट आपको याद होगा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर कम्युनल अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड में जो है डिप्रेस क्लासेस को एक माइनॉरिटी का स्टेटस देने की बात की गई और सीट्स देने की, डबल सीट देने की बात की गई, डबल वोट देने की बात की गई, तो यहाँ पे जो है देखोगे कम्युनल अवार्ड से समाज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो गांधी जी जो है वो फास्ट पे बैठ गए, तो उसको देखते हुए अंबेडकर जी ने जो है गांधी जी को कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप फास्ट तोड़ो और पूना पैक्ट कर लो, तो पूना पैक्ट एक अमेंडमेंट माना जाता है, कम्युनल अवार्ड के अमेंडमेंट माना जाता है पूना पैक्ट, फिर पूना पैक्ट के बाद जो है वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो एक तो ये तो क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, बाकी पूना पैक्ट में ये याद रखिए, कम्युनल अवार्ड मैंने आपको बता दिया, पूना पैक्ट में आप ये याद रखिए कि जो स्टेट सेंट्रल जो लेजिस्लेचर थे उनमें 18% जो सीट्स थी वो डबल हो गई, 18% तक इंक्रीज हो गई थी सीट्स, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी उनमें 71 से 147 के करीब जो है सीट्स बढ़ गई थी। तो ये डाटा याद रख लीजिएगा, स्पेक्ट्रम या कोई भी अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी या सोनाली बंसल, कोई भी आप पढ़ें तो उनमें ये चीज़ें जरूर याद रखें कि पूना पैक कम्युनल अवार्ड में कैबिनेट मिशन क्रिप्स प्रपोजल वेवल प्लान में क्या हुआ था, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एसेसिंग जस्टिस ऑनलाइन, ये कह रहे हैं किस तरीके से आप जो है जस्टिस को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो, आप यहाँ पे लाइव कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, और आप सोचो किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है हमको आगे जाके सर्विसेज को जो सर्विसेज का मजा दे सकती है, हमारी जो यहाँ पे
न्याय प्रक्रिया भी शांत हो चुकी है, किसके द्वारा, कोविड-19 के द्वारा, तो हम किस तरीके से जस्टिस ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो एक ई कोर्ट जो है वो बने, ई कोर्ट में जिस तरीके से आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक टास्क फोर्स एस्टेब्लिश करे जिसमें जज हो, टेक्नोलॉजिस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, डेवलपर्स हो, फिर वो बनाए कि जस्टिस ऑनलाइन कैसे की जा सकती है, और फिर वो पूरे एक सिस्टम बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, हार्डवेयर बनाए, IT सिस्टम बनाए, फिर वो एप्लीकेशन किस तरीके से होगी वो होगा, ई कोर्ट प्रोजेक्ट आए, फिर ई फाइलिंग सिस्टम आए, और सबको जो है सिखाया जाए, जो स्टाफ वगैरह जो है कोर्ट वगैरह में उन सबको जो है ट्रेनिंग दी जाए इस मामले में, तो डॉक्यूमेंट्स का भी खर्चा कम होगा और सब कुछ कम हो जाएगा। एक बार अगर ये प्लान बन गया तो फिर जो है धीरे धीरे यहाँ पे ई कोर्ट सिस्टम हो जाएगा, और ई कोर्ट सिस्टम में घर बैठे बैठे आपको न्याय मिल जाएगा, क्विक सेटलमेंट होंगे प्रोसीजर के, फैमिली कोर्ट मैटर में फटाफट समाधान होएगा, ऑनलाइन मेडिटेशन हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको जो यहाँ पे मदद कर सकती है, एक्सपेंस आपका कम होएगा, ठीक है, भीड़ भाड़ कम होएगी। तो इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे स्किल ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी कम है, तो अगर हम ये सब करें तो फिर भी हम ई कोर्ट का सपना पूरा कर सकते हैं, स्किल हम बढ़ा सकते हैं। और जो अन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ढंग से जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लिटरेट हैं या फिर इतने अवेयर नहीं हैं, तो उनको वहाँ की लोकल पंचायत, म्यूनसिपल या कॉरपोरेशन ऑफिस मदद कर सकते हैं, एनजीओ मदद कर सकती है कि वो किस तरीके से ऑनलाइन कंप्लेंट जो है वो डाल सकती है। तो यहाँ पे एजुकेशन का सवाल भी ख़त्म हो गया कि भाई जो एजुकेटेड नहीं है वो कैसे न्याय पाएंगे, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो ये ऐसे चीज़ें जो हैं आपको लगेंगी कि यार ये तो अच्छी बात है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जस्ट ढंग से करनी ही पड़ेगी। एक जो यहाँ पे चीज़ बहुत अच्छी बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गरीबी मिटाने की इतनी ज़्यादा स्कीम्स लाते हैं, फिर भी गरीबी मिटती क्यों नहीं है, क्योंकि गरीबों को पता ही नहीं रहता कि उनके लिए कोई स्कीम भी है, ये कैसे होगी, कैसे स्कीम होगी, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ से एप्लीकेशन देंगे, कितने पैसे लगेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कब तक वर्क बन के आ जाएगा, कब तक हमको पैसे मिलेंगे, खाता कैसा बनवाना पड़ेगा, कहाँ बनवाना पड़ेगा, कौन सी अथॉरिटी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ कौन जाएगा हमारे घर में से, ये सारी चीज़ें जो है उनको एक तरीके से प्रॉब्लम में डाल देती हैं। तो इन्फॉर्मेशन अगर ढंग से ग्रास रूट लेवल पे कॉम्प्रहेंसिवली प्रोवाइड किया जाए या फिर ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए मैनी इंडियन लैंग्वेजेस में जितनी पॉसिबल हो, तो ये तो अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग अपने आप स्कीम्स का फ़ायदा उठाएंगे। तो ई कोर्ट सिस्टम भी ऐसे काम कर सकते हैं। एन राजा सीनियर एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में। तो ई कोर्ट जो जस्टिस है, ई कोर्ट सिस्टम जो सिस्टम आया ये कोविड-19 के जो है सिचुएशन में निकल के आया, तो इस पे मेंस पे आंसर बन सकता है, तो उसको ज़रूर जो है आप याद रखिएगा। ऊपर वाला आर्टिकल मैंने बता ही दिया, ये ऊपर वाला आपको नहीं पढ़ना, गूगल पे मैं बताता हूँ आपको, गूगल पे आपको पता है गूगल जो है वो किस तरीके से आर्टिकल्स छांट छांट के आपको दिखाता है, जो आप गूगल खोलते हो तो कुछ न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं ना फीड में, तो वो फ्रांस में क्या हुआ, न्यूज़ पब्लिशर्स ने केस कर दिया गूगल के खिलाफ कि भैया हमारे आर्टिकल ये कैसे दिखा रहा है तो पैसा दो। गूगल जो है बहुत बड़ी कंपनी है, न्यूज़ पब्लिशर्स के पास इतना पैसा नहीं होता गूगल से लड़ सके, लेकिन फ्रांस का जो कंपटीशन रेगुलेटर है उसने जो है ये कहा है कि अब गूगल को पैसा देना पड़ेगा न्यूज़ पब्लिशर्स को। तो एक नई जो है ये चीज़ जो है खुल गई है, और एक आप देखो कि बहुत अच्छा एक जजमेंट, एक अच्छा ऑर्डर आया है कंपटीशन रेगुलेटर की तरफ से। हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ते रहिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ट्राई, सेबी, इन सब के बारे में पढ़ते रहना चाहिए बार बार। रिवीजन इज द की, रिवीजन बार बार करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कई बच्चे क्या होते हैं कि न्यूज़ में तो था ही नहीं सेबी तो क्यों पढ़े, ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़, स्टेचुटरी अथॉरिटीज़, जो आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़ हैं, ये सारी तो आपको पढ़ते ही रहना चाहिए। रीइमेजिनिंग अवर इकोनॉमिक चॉइसेस हमारा लास्ट आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक विल शेप अवर ऑल इकोनॉमिक चॉइसेस, हमारी सारी इकोनॉमिक चॉइसेस को अब बदल जाएंगी। कैसे कैसे, अब पिछले कुछ सप्ताह में अलग अलग देशों ने अलग अलग चॉइस की, सबने अपनी जिंदगियों को जो है परवाह करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ को सबने जो है छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल्स पे जो है अब प्रेशर आने लगा कि भैया जिंदगियां बचाओ, एक तरफ तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी लगेंगी, फिच रेटिंग्स जो आती हैं फिच कंपनी की तरफ से वो काफ़ी कम भी हो गई, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, आगे पता नहीं क्या होगा, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखोगे कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो हम अब तक क्या करते आ रहे थे, एक चॉइस हमारे पास अब ये बची है कि हम जिंदगी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप बोलोगे हम यही तो करते आ रहे थे अब तक, ह्यूमन लाइफ को तो इंपॉर्टेंस देते ही थे ना, इतने लालची तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सदियों से जो है प्रॉफिट्स को, ग्रोथ को ह्यूमन लाइफ के बजाय चुने थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि एयर पोल्यूशन की वजह से 40 लाख लोग हर साल मर जाते हैं,
40 लाख एयर पोल्यूशन की वजह से कितने लोगों ने ध्यान दिया। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि जो बीमारी गरीबों को इफ़ेक्ट करती है अमीरों को नहीं करती, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती, वो हर देश की बात है, हर देश की बात है। एयर पोल्यूशन से 40 लाख लोग मर जाते हैं, हेल्थ पे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है वो तो संख्या करोड़ों में गई, उनकी तो बात ही मत करो। लेकिन ये डेथ जिस तरीके से फैली हुई हैं, क्या हमने अब तक एयर पोल्यूशन के लिए कोई समाधान निकाला? हमारी चॉइस क्या है? 40.5 लाख जो जिंदगियां वो हम चुनते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम पोल्यूट करने देते हैं ताकि इकोनॉमी बढ़ती रहे? भाई इंडस्ट्रीज जो है वो पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी से नॉन पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी भी इसलिए नहीं जाती क्योंकि खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन वो खर्चा उनके लिए ज़्यादा कीमती हो गया बजाय कि 40 लाख लोगों की जिंदगियों से। क्लीनर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है लेकिन बना तो सकते हैं। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, UN की स्पेशलाइज एजेंसी, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। तो एक तो UN की जो 15 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनका नाम, उनके बगल में उनका हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो। सेविंग लाइफ्स, श्योरली वी आर फाइनली सेविंग आवर लाइफ्स नाउ, पक्का है ये, तो हम अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं एक दूसरे की। रिकमेंडेशंस क्लियर है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर लो। भाई साहब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कैसे करेंगे, कैसे करें? ग्लोबल पॉपुलेशन की 2% होमलेस है, घर नहीं है, तो वो घर पे नहीं रहेंगे तो बाहर तो रहेंगे, और बाहर रहने नहीं दे रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इकोनॉमी पे चोट पड़ेगी, इंफॉर्मल सेक्टर पे चोट पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी बचाना भी ज़रूरी है। तो क्योर क्या है, इलाज क्या है? ग्लोबली तो 60% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, भारत में तो 90% करते हैं, 90%। क्योर ये है कि पॉवर्टी हटाओ, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हटाओ। लेकिन ये जो हमारा जो क्योर है अभी, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ जाएगी, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ जाएगा, तो ज़िंदगियां और ख़तरे में पड़ जाएंगी। इस कंटेक्स्ट में सरकार की तरफ से जो 1.7 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज आया वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन और भी हमको ज़रूरत है। कैश ट्रांसफ़र अच्छा है लेकिन और भी हमको चाहिए, और भी सरकार की तरफ से पैसा आने की उम्मीदें हैं, और सरकार को करना भी चाहिए। बहुत अच्छा जो है कदम सरकार ने उठाया था, अब और भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सरकार कहती हाथ दो। 35% लोगों के पास साफ पानी नहीं है, तो कितना ही साबुन से हाथ धो ले, जब पानी साफ नहीं है तो गंदगी कैसे हटेगी? हर साल यूनिसेफ के मुताबिक 5 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, 1400 ऐसे बच्चे होते हैं हर साल, जो लैक ऑफ सेफ वाटर की वजह की एब्सेंस से मर जाते हैं, मतलब लैक ऑफ सेफ वाटर नहीं होता, लैक ऑफ सेफ वाटर की वजह से। सैनिटेशन पे फोकस सरकारों का ज़्यादा है अभी पिछले कुछ सालों में, लेकिन और होना चाहिए, लॉन्ग टर्म मेजर्स होने चाहिए। अब पैसा लगाओगे टेक्नोलॉजी पे, क्लीन वाटर पे, हेल्थ पे, हॉस्पिटल्स पे, पोल्यूशन पे, तो फिस्कल डेफिसिट भरेगा सरकारों का, बढ़ेगा ना, पैसा खर्च करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ज़िंदगियाँ प्यारी हैं कि नहीं है? तो इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट चॉइसेस। आप सबसे पहले जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप अपनी बुक में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी होगी, और डेफिनेशन हमेशा यही होती है कि इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट चॉइसेस, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मींस। एक ह्यूमन का बिहेवियर, एक रिलेशनशिप की जो चीज़ उसके पास अवेलेबल है और जितना वो उसका उपयोग कर सकता है, एक रिसोर्सेज कितने हैं उनका उपयोग, आपके पास संसाधन कितने हैं और उनका यूटिलाइजेशन क्या कैसे कर सकते, कितने प्रोडक्ट कैसे आप उनकी चॉइस बना सकते हो, ट्रेड ऑफ मतलब एक आपको चीज़ चुननी पड़ेगी तो दूसरी चली जाएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप डॉक्टर नहीं हो सकते, हो सकते हो, एक्सेप्शन है, समझ रहे हो मेरी बात को, ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते। UPSC की तैयारी कर रहे हो तो बाहर इतना घुल मिल नहीं सकते, आप प्रधानमंत्री हो तो बाहर जो है आप इतनी चुनाव रैली नहीं कर सकते, चुनाव में इतना ध्यान नहीं दे सकते। ट्रेड ऑफ यहाँ पे बिल्कुल होते हैं, हर चॉइस में होते हैं, लेकिन हमने ट्रेड ऑफ क्या चुना? हमने 40 लाख लोगों की ज़िंदगी जो एयर पोल्यूशन से बात हुई, 5 लाख लोग जो बच्चे जिनकी अच्छा लैक ऑफ सैनिटेशन की मैंने बात की, वो बच्चे जो लैक ऑफ सेफ वाटर की वजह से जो है मर जाते हैं, उनका क्या, उनके लिए हमने क्या किया है? इनको हमने कभी भी इन पे ध्यान नहीं दिया, और अगर इन पे हम ध्यान देंगे तो हमको GDP रेट हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा जो जाएगा उस स्कीम्स में जाएगा। लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो GDP कम होएगी, क्योंकि अगर बिजनेस पे ज़्यादा पैसा नहीं गया सरकारों का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं गया, तो यहाँ पे दिक्कतें होंगी, GDP रेट कम हो जाएगी, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये आपको चॉइस बनानी ही पड़ेगी, वरना COVID-19 जैसे वायरस आके
आपकी इमेजिनेशन को टेस्ट करते हैं, आपकी आपकी जो ह्यूमैनिटी इंसानियत इसको चेक करते हैं, आपका दिमाग कितना लालची है ये चेक करते हैं, सेल्फिशनेस इंटरेस्ट कहाँ है इंसान का, लेफ्ट विंग राइट विंग सब एक हो रहे हैं, हर जगह सब कैश ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि वर्कर्स को पैसा दो। यूएसए में जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी फोकस किया जाता है, वहाँ पे वर्कर्स को पैसा देने की बात हो रही है। हमारी जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है वो कह रही है सीनियर मैनेजमेंट का पैसा काट दो लेकिन जॉब नहीं जानी चाहिए वर्कर्स की। लिबरल डेमोक्रेसी जहाँ पे इंडिविजुअल्स को ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं, वो अब सिटीजन्स वहाँ के खुद कह रहे हैं कि हमको लॉकडाउन करो, रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, सपोर्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और ये एक जो दुनिया निकल के आई, ये स्टेट ऑफ एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी अब हमको सोच में डाल दिया इन्होंने कि एक जो आप ये देखो, एक वायरस जो दिखता तक नहीं है उसने आपको घरों में कैद करके रख दिया। आप जिस तरीके से टेरिटरीज में घूमते फिरते रहे थे, वायरस वैसे ही फैलता गया। इकोनॉमिक ग्रोथ पे जब आपका फोकस था, अब क्या हुआ, अब आप जिंदगियों की परवाह करने लग गए। बिजनेस की परवाह करते करते आप कब हेल्थ की परवाह करने लग गए, कब आप दुनिया की चिंता करते करते फैमिली की परवाह करने लग गए। और राइटर कह रहे हैं कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, जिन एक ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए मैं भी काम करता हूँ, वो सब मिलके ये काम करते हैं IFAD में, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में और यूएन की स्पेशल एजेंसी है। IFAD ध्यान रखना, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, काम करते हैं उनके लिए। कहते हैं कि हम जो है इनकम से रेसिलियंस की तरफ फोकस करने लग गए, कितने हम जिंदगियों पे टिके रह सकते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो ये देखता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ्स की तरफ फोकस करता है वो, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए एजुकेशन एंड नेशनल इनकम पर कैपिटा पे फोकस करता है। मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी देखती है, कैपेबिलिटीज़ कितनी है, एजुकेशन देखती है, हेल्थ देखती है, लिविंग स्टैंडर्ड देखती है। आज जो आपके इकोनॉमिक टारगेट हैं कि हमको इतनी GDP लानी है, इतना ज़्यादा हमको बिजनेस आगे लेके जाना है, और ऐसी जो इंडिसीज हैं जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। पहले वाले जो टारगेट है वो आपकी इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, पैसे पे फोकस करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरे वाली इंडेक्स, दूसरी वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगियों पे फोकस करते हैं, लाइफ्स पे, और दूसरी वाली ही ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान रखना कि फूड जो है, ये सारी चीज़ें अगर ये ढंग से गरीबों के पास नहीं जाएंगी तो गरीब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में पड़ जाएंगे, और इससे जो है एक नया क्राइसिस शुरू हो जाएगा। हम सब एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, किसी का कमरा बड़ा है, किसी का कमरा कम छोटा है, किसी का ज़्यादा बड़ा है, किसी के पास कमरे में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, किसी का अच्छा फर्नीचर है, लेकिन सब हम एक जगह रहते हैं। ऐसे मान के चलिए एक पृथ्वी, एक प्लेनेट हमारी है, एक दुश्मन है। ऐसे दुश्मन फ्यूचर में और भी आएंगे, हम सबको साथ रहना पड़ेगा, इंसानियत रखनी पड़ेगी। हम सबको पता है कि खतरा क्या था, लेकिन हमने इस खतरे को टालने दिया, हमने लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ऐसे ही छोड़ दी, ठीक है। तो हमको इकोनॉमिक चोजेस अब रीइमेजिन करनी पड़ेगी। तो ऐसे के लिए काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल ऐसे आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए। क्या लिखा है ऐसे में कि वी हैव टू रीइमेजिन अवर इकोनॉमिक चॉइसेस। अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा या मीन्स का आंसर लिखना पड़ेगा। तो उसमें आप अप्रोच अपनाओगे कि इकोनॉमिक चॉइसेस कैसे कैसे अपनाएंगे हम। हमको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। हमको एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमको पॉवर्टी पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तरफ आपकी GDP ग्रोथ है, एक तरफ आपकी इंडस्ट्रियल जो हाउसेज हैं, एक तरफ आपकी जो आपको डेवलप्ड बनना है, लेकिन एक तरफ आपकी पॉवर्टी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ये सब कुछ है। तो ये जो ट्रेड ऑफ है ना, इनमें से आपको एक चॉइस चुननी ही पड़ेगी, और ज़रूरत है आज की हमको चॉइस बदलनी ही पड़ेगी। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा क्या इकोनॉमिक चॉइसेस की हम बात कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।